हाँ शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्ज नेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वो उपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने बताया था, आज हम लोग ओज के ऊपर बात करेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। ओज क्या है, इसको अगर थोड़ा विचार किया जाए, आचार्य चरक, सुश्रुत वाग्भट, अगर सभी का विचार करेंगे तो ओज के बारे में अलग अलग उनकी राय है। सप्त धातु का सार, आचार्य इसको सप्त धातु का सार मानते हैं, कोई इसको ओज मानता है, कोई इसको धातु का मल भी मानता है, कोई इसको मतलब एक अलग प्रकार का ये फैक्टर है। इट कैन बी कोरिलेटेड एज अ वाइटल पावर, वाइटल कैपेसिटी, और इम्यून सिस्टम के साथ इसको जोड़ा जाता है। कई बार इसको न्यूट्रिएंट सब्सटेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको विटामिन्स बोलते हैं, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। बट अगर ओज का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को अगर हम लोग समझते हैं, ओज क्या है उसको अगर थोड़ा हम लोगों को ये उसके ऊपर थोड़ा अधिक विचार किया जाए, तो सबसे पहले तो मैं ओज कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगी। ओज को मानिए, मेरे विचार से ओज के जो गुणधर्म बताए गए हैं, लाइक स्निग्ध है, या एक प्रकार से जो लाइक शुक्र धातु के जो गुण है, 10 गुण है ओज के, और कफदोष के तीनों गुणों का अगर हम लोग थोड़ा तुलना करेंगे तो शुक्र, ओज और कफदोष के गुणों में काफी साम्य हमें मिलता है। जैसे स्थिरता है, स्निग्धता है, द्रवता है, सांद्रता है, मधुर रस है, तो ये सारे गुण में तीनों में भी समान है। शुक्र धातु परम धातु का एक भाग पाना है, जैसे 1 महीना शुक्र धातु में बनने में लगता है,
तो शुक्र का ही अगला पार्ट यानी शुक्र धातु की उपधातु या मल के रूप में ओज का वर्णन किया है। तो मानिए जैसे शुक्र धातु में कोई मल शिल्लक नहीं रहता है, बचता ही नहीं है मल, तो इससे ही ओज बनता है। तो भले ओज में क्या मल होगा, तो ओज को हमें सार मानकर ही चलना है। और ये ओज आहार से ही निर्माण होता है। जैसे आहार, देखिए पचन दो प्रकार का होता है, स्थूल पचन सूक्ष्म पचन। स्थूल पचन में आहार से आहार रस बनता है और सूक्ष्म पचन में यही आहार रस जाकर हर एक धातु के स्रोत में जाकर धात्वाग्नि की क्रिया से उसका वहां पर रस धातु बनता है, या सभी धातु बनते हैं अलग अलग स्रोत में अलग अलग धातु। इस धातु परिणाम में त्रिविध न्याय है। यहाँ पे एक जो धातु बनता है तो उसमें एक भाग धातु बनेगा, एक भाग उस धातु का मल बनेगा, क्लेद या जैसे उसके जो मल बताए गए हैं वो बनेगा, और तीसरा पार्ट जो है वो अगले धातु का पोषण करेगा। इस प्रकार से रस से लेकर सारे शुक्र तक धातु बनते हैं। धातु ही धातु का आहार है। एक धातु जब अच्छा बनता है तो दूसरा धातु, इसमें त्रिविध न्याय बताए गए हैं, जो केदार कुल्या क्षीर दधि खले कपोत न्याय है। तो अलग अलग न्याय भले ही अलग अलग मत बताते हैं, बट ओवरऑल हम लोग सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि एक धातु अगर विकृत होता है, मानो पहला आद्य रस धातु है, उसकी विकृति अगर होती है तो धीरे धीरे उसका परिणाम सभी धातुओं पर होता ही है। आयुर्वेद में ज्वर कुष्ठ जैसे कुछ व्याधि है जो धातुगत अवस्था में हमें बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, और इनमें धातुगत अवस्था मानी गई है। तो इस प्रकार से धातु का परिणमन होते होते जो उससे भी अधिक गुण वाला, अधिक श्रेष्ठ वाला जो एक घटक बनता है, उसको हम लोग ओज कहते हैं। अभी वैसे तो धातु पोषण से ही ओज का पोषण होता है, बट फिर भी ओज बनता कहाँ है, कब बनता है? ओज ये बनता है शुक्र शोणित संयोग के समय। और इसी समय पे जो ओज बनेगा शुक्र शोणित संयोग के साथ ही शरीर में, इसी समय पर ओज बनता है। और यही ओज जाकर गर्भावस्था के दौरान जाकर वो रस वाहिनियों से, रस रक्त वाहिनी से या रस रक्त के साथ मिलकर हृदय में चला जाता है। उसका कुछ हिस्सा हृदय में जाता है, कुछ हिस्सा जो है पूरे शरीर में परिभ्रमित होता है। और यहाँ ही इसीलिए 8वें महीने में ओज की अस्थिरता को आयुर्वेद मानता है। और जब ये ओज माता में या जब ये ओज मतलब गर्भ में होता है, उसके अनुसार उसका बलाबल माना गया है। तो ये ओज हृदय में रहता है और कुछ शरीर में उसका पार जला जाता है रस रक्त के साथ। हृदय में जो ओज जाता है उसका पोषण भी रस रक्त से या आहार रस से ही होता है। और फिर हृदय से व्यान वायु की क्रिया से जो दशधमनी द्वारा रस रक्त का परिभ्रमण होता है, उसके साथ पूरे शरीर में ओज भी परिभ्रमित होता है। इस ओज की मात्रा बताई 8 बिंदु, और जो पूरे शरीर में बनता है वह अर्धांजलि। तो जैसे जैसे 8वें महीने तक, 9वें महीने तक शरीर का पोषण होता है, वैसे वैसे इस ओज का प्रमाण बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि ओज जो बनता है वो डिपेंड करता है आहार के ऊपर ही। आहार के साथ ही शरीर का पोषण आहार से होता है, और इसीलिए ओज का भी पोषण, ओज का भी निर्माण आहार से ही होगा। और इस प्रकार से ओज ये केवल एक दिन में, 2 दिन में नहीं बनता है। जैसे हमारे धातु दोष मल स्रोतस सभी गर्भावस्था में ही बनते हैं, गर्भावस्था में ही उसका विकास होता है। पंच महाभूतों के संगठन से ही शरीर जैसे जैसे बनता है, वायु विभजति तेजः एनं पचति आपः क्लेदयन्ति, वैसे ही वहां पर ओज बनता है। अभी इसीलिए मैंने जो आपको बताया था कि शुक्र का कफ दोष का और ओज के गुणों में काफी समानता है, इसीलिए शुक्र शोणित संयोग के समय यानी शुक्र शुद्ध होना, शोणित शुद्ध अगर होता है और बीज शुद्धि है, जो ऋतु क्षेत्र बीज अंबु की बात हम लोग करते हैं, अगर बीज शुद्ध है तो वहां पे बनने वाला गर्भ और वहां पे बनने वाला ओज भी शुद्ध होगा। और इन धातुओं का या मानो आप शुक्र और शोणित के गुणों का परिणाम ओज पर भी होगा। और फिर इसके बाद लाइक ये भी बात नहीं है, बाद में आप जिस प्रकार का आहार विहार लेते हैं उसका परिणाम भी ओज पर होगा। अभी इस प्रकार से शरीर में 2 टाइप बताए गए हैं ओज के, पर ओज एवं अपर ओज। पर ओज जो हृदय में रहता है, अपर ओज जो पूरे शरीर में रहता है परिभ्रमित होता है। ओज के कार्य क्या है? ओज ये धातु का सार अंश है। तो धातु का बल, एक्चुअली व्हाट इज इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व नाम व्याधि उत्पाद विरोधकत्व। हमारे शरीर में जो भी जीवाणु, जो भी बैक्टीरिया, जो भी बाहरी विजातीय द्रव्य आते हैं, विजातीय कोई जीव जंतु आता है, तो उसको रिस्पॉन्ड करने का शरीर का जो प्रयास है, शरीर जिस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज और इसमें लिम्फोसाइट एंड अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसको वैधिक क्षमत्व कहते हैं। तो शरीर की प्रक्रिया यानी शरीर की जो एक प्रकार से प्रतिरोधी क्षमता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करती है आपके धातु बल के ऊपर। आपके शरीर में जितने धातु बल
और दोष धातु मल की समता जितनी अच्छी होगी उतना आपका शरीर जल्दी से रिएक्ट करेगा इस जीवाणु को मारने के लिए, वहां पे रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा एंटीबॉडी के रूप में। तो यही बात है, ओज स्थिरता या ओज का काम क्या है? ओज का काम है धातु बल को मेंटेन रखना या दोष धातु बल की समानता को रखना। ओज की क्षय और वृद्धि क्या है? ओज विकृति तीन प्रकार की होती, ओज व्यापक, ओज विस्त्रंस और ओज क्षय। ओज क्षय यानी ओज का प्रमाणतः गुणतः कर्मतः क्षय। ओज व्यापक यानी ओज दोषों से व्याप्त होना, यानी वात का प्रकोप, पित्त का प्रकोप, कफ का प्रकोप या बाकी इसका धातुओं का भी प्रकोप। ओज विस्त्रंस यानी ओज अपने स्थान से या अपने गुण के साथ उसका भ्रंश, उसके कर्मों में हमें लाइक जो ओज के कर्म बताए गए प्राकृत वो नहीं मिल पाना, इसको ओज विस्तरंस है। विस्तरंस, व्यापक और क्षय, ये तीन प्रकार की ओज की विकृतियां होती है। हम लोग ओज क्षय को एड्स या राजयक्ष्मा धातु क्षय जन्य व्याधि के साथ उसको जोड़ते हैं या इसी प्रकार से उसको बताते हैं। तो सिंपली इसी प्रकार से ओज के क्षय के लक्षण हमें मिल जाते हैं, ओज क्षय यही प्रकार से है। ओज का पोषण धातु से होता है, आहार रस से होता है, जैसे मैंने आपको अभी सारा इस सिंथेसिस ऑफ ओजा बताया है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया मैंने, ओज के कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ओज का गंध रंग जो होता है, आचार्य सुश्रुत आचार्यों ने इसका कलर भी बताया है, ये थोड़ा सा सफेद रंग का होता है, इसका एक विशिष्ट स्मेल भी होता है, लाजा गंधी बताया है इसका स्मेल जो होगा, इसकी टेस्ट मधुर बताई है और लाइक शहद के समान इसका मधुगंधी बताया है इसका टेस्ट। तो इसीलिए कफ और शुक्र के साथ ये काफी सिमिलरिटीज इसकी मिल जाती है, इसकी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ओज विस्तरण से व्यापक और क्षय के लक्षण क्या है। ओज क्षय में एक प्रकार से मूर्छा आती है, कई बार कुछ प्रलाप है, भय की स्थिति होती है, और मानसिक क्षय के लक्षण है मोह है, कंफ्यूजड होता है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, तो और कभी बार मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ओज क्षय के लक्षण है, जहाँ पे ओज प्रमाणतः गुणतः कर्मतः विकृत होता है। आगे ओज व्यापक, जब ओज दोषों से व्याप्त होता है तो क्या लक्षण बनते हैं? तो इसमें लाइक स्टिफनेस है, हेवीनेस है, गुरुता है, और इसके साथ साथ वात के कारण सूजन मानिएगा, और स्तंभ जनित लक्षण मिलते हैं, वर्ण भेद होता है, विकृति वर्ण में रंग में विकृति आती है, ग्लानी आती है, थकान आती है, और तंद्रा भी आती है। ओज विस्तरंस क्या है? ओज विस्तरंस में लक्षण हमें मिल जाते हैं संधि विश्लेष। संधि विश्लेष यानी आपके जॉइंट्स में कफ का क्षय होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि ओज विकृति में तीन प्रकार की विकृतियां होती है, तो मल्टीपल यहाँ पे जॉइंट्स में अलग अलग टाइप का पेन वगैरह होगा, थकान इसमें भी, तीनों विकृतियों में थकान तो कॉमन है, और दोष का प्रकोप बढ़ जाता है, कुछ दोष प्रकोप के लक्षण भी मिलते हैं, और क्रिया संनिरोध। क्रिया संनिरोध यानी कोई भी क्रिया में वहां पे कुछ ना कुछ लैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग बोल सकते हैं, या जो नॉर्मल क्रिया होनी चाहिए उस मात्रा में ये क्रिया होती नहीं है, ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ओज विस्तरंस, ओज व्यापक, ओज क्षय के ये लक्षण है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी ओज क्षय को कैसे हम लोग महसूस करें, हाउ टू डायग्नोज कि ये ओज क्षय है। ओज क्षय तो ये तो ठीक है, ये ग्रंथोक्त है, परिभाषा है, बट एक नॉर्मल व्यक्ति में ओज क्षय के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचाने कि इस व्यक्ति में ओज की कमी है, इसके कारणों का भी विचार मैं करूंगी यहाँ पर। उसके कारण क्या होते हैं? ओज के कमी के कारण है, आप सभी जो नॉर्मल हमारे हेतु होते हैं ना, आहारज हेतु है, और जैसे कि राजसिक तामसिक आहार का सेवन करना है, आहार के नियमों का पालन नहीं करना है, बासी खाना है, फ्रोजन फूड हो गया, विदग्ध खान पान है, अधिक उष्ण, अधिक आम्ल, अधिक खट्टा, ऐसे सभी जो मधुर मतलब जो कफ का प्रकोप करेंगे, शुक्र धातु का प्रकोप या शुक्र धातु के क्षय के लिए जो कारणीभूत सारे हेतु है, इन सभी हेतु को यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यानी जो नॉर्मल खान पान के नियमों का पालन नहीं करना, ऐसे भी है। इसके साथ मानसिक हेतु में चिंता, भय, क्रोध, शोक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सारे हेतु इसमें हो जाएंगे। धातु का दोषों का प्रकोप करने वाले सारे हेतु आप इसमें ले लीजिएगा, और इसी के कारण ओज का क्षय या ओज की कमी व्यक्ति में होती है। जब ओज की कमी होती है तो ये जो ग्लानी वगैरह तो ठीक है, बट हम लोग ऑब्जर्व कैसे करें
किस व्यक्ति में ओज अच्छा है और किस में कम है। तो देखिए, जो व्यक्ति बहुत ही हमेशा तेजस्वी दिखते हैं, बहुत हर्ष के साथ रहते हैं, जो एक निर्णय क्षमता, उनकी कैपेसिटी, पावर, कार्य क्षमता बहुत अच्छी है और उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, ज्यादा बार बार वो बीमार भी नहीं होते हैं, इन सभी लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ओज अच्छा है। दूसरे, ओज अक्षय के या ओज की कमी जिन लोगों में होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो हमेशा कुछ अपने सोच में रहते हैं, कंफ्यूज दिन में सोना और अधिक कार्य क्षमता में उनके कुछ ये नहीं, मतलब नॉर्मल काम करते रहेंगे। बट जिनमें ओज अच्छा है वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, हर काम में ओजस्विता, बुद्धिमत्ता अच्छी होंगी उनको, और वैधि भी नहीं होंगे। बट जो ओज के जिनमें कमी है, वो बार बार रिपीटेडली उनमें कुछ वैधि होगा और रिपीटेडली कुछ क्षयजन्य स्थितियां होगी, रिपीटेडली एक्सपोजर के कारण वो बीमार पड़ेंगे और दुखी रहेंगे थोड़े से, उनका रिस्पॉन्स भी लो होता है, और दिन में जैसे आराम से रहने वाले और बार बार सोने वाले, ऐसे थोड़े आलसी टाइप के एंड अनरिस्पॉन्डिव टाइप के जो होते हैं ना, उनको हम लोग लो ओजस कह सकते हैं। और इस लो ओजस को अभी मैं आगे, जैसे हम लोग स्त्रीरोग संभाषा करते हैं, हमने कल परसों के सत्र में मेनोपॉज को पढ़ा, सो सम हाउ स्त्रियों में मेनोपॉज यानी ओज क्षय ही है, क्योंकि ओज क्षय यानी धातु क्षय वात प्रकोप, तो मेनोपॉज के कारण जो लक्षण मिलते हैं वो सेम है जब ओज की विकृति होते हैं। सो सम हाउ मैंने उस दिन भी पढ़ाया था कि मेनोपॉज इट इज ओजस, लो ओजस कंडीशन, तो इसी समय पे हम लोगों को ओज को बढ़ाना है। ओज क्या है? ओज ये परम अंश है, तेज है ये, तो तेज तत्वों को बढ़ाना है, तेज को, अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि को बढ़ाना है तो जैसे सभी आहार के नियमों का पालन करना है, विहार पे कंट्रोल करना है, मानसिक हेतु को आपको टालना पड़ेगा, तो आपकी अग्नि होगी अच्छी, अग्नि आपकी अच्छी है जठराग्नि, तो धात्वाग्नि अच्छी रहेगी, भूताग्नि अच्छी रहेगी, और फिर जो आगे बनने वाले धातु है और ओज जैसे कुछ घटक है वो भी अच्छे बनेंगे। और जितना आपका ओज अच्छा बनेगा उतने आपके पावर्स, आपके सेंसेस अच्छे रहेंगे और आपकी कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। जो मैंने अभी आपको लक्षण बताया था ना, क्रिया संनिरोध यानी कुछ करने की क्षमता नहीं, तो ये क्रियाओं में निरोध है, मतलब वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जिन लोगों में बहुत प्रचंड वर्क, हम बोलते हैं ना कि आप क्या खाते हो भाई, इतना काम करते हो, आप थकते नहीं, तो कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड विद द ओजा, इट इज कनेक्टेड विद द इम्यूनिटी, मेंटल पावर। जिनमें मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी है उसमें ओज अच्छा होता है। जब ओज का क्षय होगा तो व्यक्ति भयभीत और दुर्बल और कंफ्यूज्ड एंड लाइक निर्णय क्षमता की कमी होती है, दे कैन नॉट मेक डिसीजंस, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, कुछ डेयरिंग नहीं होती। हम लोग देखते हैं ना कि बिजनेसेस होते हैं, कुछ काम करना होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कंटाला करते, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो कुछ लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, करियर में, सभी बातों पर, सभी इसमें वो एरियाज में वो एक्सपर्ट होते हैं और सभी जगह पे उनका बहुत ही अच्छा ये होता है, कर्तृत्व होता है। तब हमें लगता है कि क्या है इसे, तो ये ओज फैक्टर होता है। इनफर्टिलिटी ओज क्षय है। आप सारे मतलब मैक्सिमम जो सारे डिसीज का अगर थोड़ा पैथोलॉजी सोचेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ओज क्षय आपको मिलेगा। तो सम हाउ ओज क्षय इज धातु क्षय अवस्था, तो धातु क्षय होगा, दोष का प्रकोप होगा तो वैधि बनेगा, वैधि बनेगा तो अल्टीमेटली ओज का क्षय और ज्यादा हो जाएगा। ओज क्षय ये वैधि का हेतु भी है और वैधि के कारण ओज का क्षय भी होता है। तो इस प्रकार से ये सारा ओज के बारे में, ओज क्षय के कारण है, ओज क्षय के लक्षण, प्राकृत ओज होता है तो व्यक्ति कैसे बिहेव करता है और ओज का कमी में व्यक्ति कैसे होता है, ये भी मैंने बताया। अभी आगे बढ़ते कि इस ओज की कमी को आपूर्ति कैसे की जाए। ओज की आपूर्ति करने के लिए सिंपल है, अग्नि को करेक्ट करें, धातु का बल बढ़ाए, रसायन जरूरत हो तो वाजीकरण, रसायन गृहन हेतु परिमार्जन, ये सारी चिकित्सा ही आपको ओज के लिए करनी है। मार्केट में आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है ओज वर्धक, स्टेमिना बढ़ाने वाला, पावर बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल ये होता क्या है, इट इज लाइक जीवनीय ग्रोहणीय गण के द्रव्यों को ही मिलाकर ओज वर्धन किया जाता है। तो ओज वर्धन कराने के लिए सबसे पहले तो अग्नि को करेक्ट करिएगा। और जो मैंने आपको अभी एसेस कैसे करेंगे पेशेंट को, तो मुझे लगता है हम लोगों में इतनी क्षमता होती कि ओज अच्छा है तो हम लोग चेहरे से भी पता चलता है जिसमें ओज अच्छा है। गुड लो गुड ओजस वाले पीपल, दे आर ऑलवेज ब्राइट एंड तेजस्वी, एंड लो ओजस वाले ऑलवेज
चेहरा थका सा और बहुत ही ग्लो कम होता है स्किन में, और धातु बल सभी बाल ये स्किन वगैरह हमेशा उनकी बहुत ही डिप्रेस्ड ड्राई स्किन और ड्राई सारे हेयर्स है, मसल की पावर कम है वगैरह जो मैंने अभी सारे आपको लक्षण बताए। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू बूस्ट योर ओजा। बूस्ट करने के लिए धातु कबल बढ़ाए, दीपन पाचन करे, रसायन करे। अभी इसमें द्रव्य कौन से काम करेंगे, इसमें अश्वगंधा, शतावरी, खजूर, डेट्स, फिग, अलमंड्स, और फिर लाइक थोड़े लीफी वेजिटेबल्स। आयुर्वेद में लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा महत्व नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक वात प्रकोपक बताए गए, जो पत्तेदार सब्जियां होती है। बस इसको भी आपको खाना हो तो आप इसको थोड़ा प्रोसेसिंग करके लाइक खा सकते हैं, बॉईल करके खाइएगा, कच्चा मत खाइएगा। कच्चे मैंने कल भी बताया था, कच्चा सैलड, कच्चे जो स्प्राउट्स वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा वात का प्रकोप करने वाले हैं। वो अच्छे हैं बट वी हैव टू लाइक उसको थोड़ा पका कर हमें खाना होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। एंड होल ग्रेन अनाज, खास करके गेहूं, बहुत अच्छे हैं ओज बढ़ाने के लिए। आप तेल सीसम का भी थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं ओज बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ जो बाकी सात्विक जो पदार्थ है, जैसे दूध है, मक्खन है, घृत है, इनका भी प्रयोग आप करें जो कि ओज को बढ़ाने वाले माने गए हैं। अभी कल्पों का क्या यूज करेंगे, कल्पों में मेरे मेरे विचार से सुवर्ण कल्प, बट सुवर्ण कल्प का भी उपयोग होने के लिए आपके शरीर में अग्नि अच्छा होना चाहिए सुवर्ण को पचाने के लिए। तो पहले अग्नि को करेक्ट करके सुवर्ण कल्प, मधुमालिनी वसंत, सुवर्ण राज अंगेकर, लघु मालिनी वसंत, या रजो रस कल्प है कुछ उसमें, इन समीर पन्नग जैसे, वात गजान कुछ रस जैसे, उन सभी का प्रयोग आपको करना होगा। तो पहले अग्नि को करेक्ट करेगा। योगराज गुगुल भी अच्छा है जो कि आपके तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, और ये स्त्रियों के कई सारे विकारों में हम लोग गर्भाशय को बल देने के लिए भी योगराज गुगुल का प्रयोग कर सकते हैं। सारस्वत ऋषि इज बेस्ट वन, जो अल्टीमेटली इसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी, वचा जैसे जो द्रव्य है ये भी काफी अच्छा काम करते हैं। ओज को बढ़ाने के लिए दोषों का प्रकोप जो है उसको करेक्ट करेगा। इसके लिए आप शोधन, पंचकर्म, जहां पर जो भी जरूरत है, शमन चिकित्सा, विरेचन, अगर पित्त का प्रकोप है तो विरेचन, कफ का प्रकोप है तो वमन या बस्ती वात के लिए, और फिर स्नेहन स्वेदन, पिचू रखवा सकते हैं, शिरो पिचू रखवाइएगा जो सात्विक गुण बढ़ाएगा। और इम्पोर्टेंटली रजतम गुण को कम करना है आपको, सत्व को बढ़ाना है, रजतम को कम करना है। तो मानसिक जो क्रियाएं है, पीछू, शिरोधारा, नस्य, उनका प्रयोग आप अंजन कर्म भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कुछ जो समस्या है उसके लिए आप कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती दीजिएगा, बुरहन बस्ती दीजिएगा, क्षीर बस्ती का प्रयोग करिएगा, है ना। और जैसे मैंने डाइट में आपको बताया ऑलरेडी कि कफ का थोड़ा बढ़ाने वाला कफवर्धक आहार, शुक्र धातु वर्धक आहार, कपी कच्चू, और जैसे कुछ द्रव्य है सुपारी पाक जैसे कल्प है, आम्र पाक है, आम मैंगो बहुत अच्छा है सत्व गुण बढ़ाने के लिए। बाकी ज्यादा फल नहीं, मेरे पास लिस्ट है उसको भी मैं शेयर करती हूँ सारे आहार की, कि कौन सा आहार सात्विक है और कौन सा राजसिक तामसिक है। हम लोगों को लगता है कि डेट्स, नट्स में सारे नट्स ये सात्विक होते, बट नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आलमंड्स को ही सात्विक पाना है, बाकी सारे नट्स मेजोरिटी में लाइक जो कैश्यूज वगैरह, काजू वगैरह है, वो सारे रज और तम को बढ़ाने वाले बात है। फल में भी बहुत कम फल है लाइक ये अपना पोमेग्रेनेट, अनार, मैंगो को सात्विक माना है, बाकी फल थोड़े लो मतलब मीडियम और लो ओज वाले माने गए या सत्व वाले माने गए हैं। तो आपको इसमें भी वर्क करना पड़ेगा। हम लोग एवरेजली बोल देते कि फल खाओ, सब्जियां खाओ, बट यू नहीं हैव वेज टू वाला तो करेक्ट वन। ऐसे वेग मत बोलिएगा जब आपके पास पेशेंट आते हैं ना, मैं हमेशा वही बताती हूँ सारे बच्चों को भी कि आप प्रॉपर, आपके पास कोई आता है डाइट को लेकर तो आप प्रॉपर करेक्ट डाइट बताना होगा। ऐसे ही एवरेजली बोल देना कि ये फल खाओ, सब्जियां खाओ, ये गलत है, क्योंकि फल सब्जियों में भी दोषों के प्रकोप के भी ये माने जाते हैं ना, हम लोग दोष का भी प्रकोप देखते हैं क्या उसमें कौन से दोष को बढ़ाने वाले हैं। फल, कुछ फल कफवर्धक माने गए हैं, कुछ सब्जियां दोषवर्धक मानी गई है, उसका भी विचार हमें यहाँ पर करना होगा। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेडिटेशन का, योगा का, एक्सरसाइज का, जो आपका मेंटल पावर को बढ़ा देते हैं, लाइक सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, अनुलोम विलोम करिएगा, करवाइएगा, सुदर्शन क्रिया करवाइएगा, योग निद्रा करवाइएगा, जो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अधिक सोचना, तो इसके लिए ठीक मेडिसिन भी काम नहीं करती, तो काउंसलिंग,
बहुत इसमें रसायन में मेध्य रसायन का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक कुछ मेध्य मंडूक करनी है और गुरु जी है उसका प्रयोग कर। मैम एक बार रिपीट कर दी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मेध्य रसायन में एक बार फिर से रिपीट कर दी। हाँ हाँ यस बिल्कुल। सो मेध्य रसायन में वी कैन यू एज मेध्य रसायन मेनोपॉज में भी बहुत बेनिफिशियल है। जो मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, मेंटल इलनेस की कुछ बातों को गलत तरीके से लेना है, कंफ्यूज रहना है और बुरा मानना है, मूड स्विंग्स होते हैं उसमें, और बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आना और अलग अलग रिएक्शन आते हैं ना महिलाओं में, तो इसके लिए मेध्य रसायन काफी अच्छा काम करता है, जिसमें शंख पुष्पी, जटामांसी, ब्राह्मी, वचा, गुड़ुची, मंडक पर्णी ये द्रव्य बहुत सुंदर तरीके से काम करने वाले होते हैं। यष्टि मधु भी, तो इनका आप जैसे भी उपयोग कर सकते हैं। घृतपान करवाइएगा, यष्टि मधु का घृत अच्छा रहेगा। मेध्य घृत भी बनवा सकते हैं, इसमें आप खुद से अभी इसका पाउडर, इन सभी द्रव्यों का पाउडर दे सकते हैं। फिर शिलाजीत भी काम करेगा अच्छा, जो ओज बढ़ाने के लिए आप बात करते हैं ना। तो मेरे विचार से सिंपल डाइट विदाउट प्रोसेसिंग, आपको ओज बढ़ाना है प्रोसेसिंग कम करिएगा। फ्रीज, ओवन, फूड प्रोसेसर, सारे मॉडर्न आजकल के प्रोसेसिंग वाले जो ये है वो कम करें। जितना सिंपल तरीके से आप सब्जी दाल और ना पकाते ही खाना पकाते उतना उसका ओज वर्धन होता है। आपके आहार में डेली दूध का, घृत का, मक्खन का प्रयोग करें और बाहर का खाना बिल्कुल वर्ज ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भावनाओं का भी एक होता है ना, कि होटल का खाना जिसमें भावना नहीं होती है, और आपके घर में जो आपकी माँ बहन जो खाना बनाती है उसके मन में की भावना है, तो कहीं ना कहीं सात्विक भी मानी गई है। तो सत्व बाजार में नहीं मिलता है, सत्व आपको खुद से उसमें ये करना पड़ेगा, सत्व उसको आप ये कर सकते हैं। तो सिंपल और विदा, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि इवन दो किसी भी रस का अत्यधिक प्रयोग मत करिएगा, साल्ट और स्पाइस मत, लाइक आम्ल, कटु, तिक्त, किसी अति सर्वत्र वर्जित। और मात्रावत अश्नीयात, जीर्ण अश्नीयात, स्निग्धम अश्नीयात, उष्णम अश्नीयात, अजल्पनम, अहसम, इन सभी आहार के नियमों का आप पालन करते हैं। मुझे नहीं लगता आजकल के जमाने में हम लोग आहार का नियमों का इतना पालन करते हैं। सिंपल मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने, मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी हम लोगों ने कभी आराम से बैठकर खाना कितनी बार हम लोगों ने किया। खाना खाते समय भी हम लोग बफे सिस्टम में हाथ में खाना लेकर है, ब्रंच करते हैं, वर्किंग लंच होता है, उस समय हमारे दिमाग में कई सारे विचार होते हैं, तो इन विचारों का क्या आहार के परिपाक पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा? निश्चित रूप से पड़ता है। आपके मन में होता है ना कि आगे क्या काम करेगी, लेटर टाइप करना है, वो दवाई मंगानी है, जो भी है काम, घर का काम करना है, पढ़ाई करवानी है, आज घरवाली नहीं, काम वाली नहीं आई है, ये है वो है, तो खाना खाते समय भी इतना सारा विचार दिमाग में आपके आता है, तो क्या भला उस खाने का परिपाक होगा? कभी आपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट किया है तन्मना बुझितम? ये तो बोलने की और बताने की बातें है, बट सच में आपने कभी तन्मना बुझितम किया है क्या? आप सच में कभी छुट्टी के दिन में आराम से घर में खाना खाते विदाउट टेंशन, तो उस दिन आप दिन अच्छा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होता है काम का, और मतलब खाना भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, सिंपल भी हो तो इसीलिए मुझे लगता है खाना, आहार और जो भी काम हम लोग करते, इट शुड बी फोकस्ड, एक समय पे एक काम। हम लोगों को आजकल बहुत आदत लग गई ना कि एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो मन विचलित होता है, और इस मन के विचलित के कारण ही आहार का अच्छा परिपाक नहीं होता है, और इसी के कारण धातु की क्वालिटीज कम होती है। धातु की क्वालिटी कम होगी तो इसका परिणाम, धातु से ही तो सारे ऑर्गन का पोषण होता है ना, तो धातु से ही ऑर्गन बनते भी है। शोणित फेन प्रभव फुफ्फुसः, रक्त के फेन भाग से फुफ्फुस बनते हैं। आप सारे अवयवों की मेद, रक्त मेद से रुक बनता है। शोणित कफ प्रसादम हृदयम, तो मुझे लगता है ना ये इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, कौन सा ऑर्गन किस धातु से दोष से बनता है उसको भी जरा समझिएगा, तो वो धातु वो अवयव अच्छा रखने के लिए उस आहार विहार भी कुछ महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो मेरे विचार से ओज को बढ़ाने के लिए नारियल भी अच्छा काम करेगा। नारियल इज ओजस वन,
मैं थोड़ा पीपीटी आप तब तक डिस्कस करिए, मैं पीपीटी ढूंढती हूँ आहार की, और आहार की पीपीटी शेयर करती हूँ स्पेसिफिक सत्व गुण वाली जो आहार है उसकी। तब तक आपको कुछ केस डिस्कशन करना है तो करिएगा। हर्षा जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप आई नहीं सेशन में। Yes, ma'am, थोड़ा बिजी हूँ, मेरा ओपीडी टाइमिंग यही रहता है, अगर पेशेंट नहीं रहता तो मैं देखती हूँ। ओके, नहीं तो फिर बाद में सुनती हूँ मैम वीडियोस। ठीक है, और कोई केस हो तो बताइए, तब तक मैं पीपीटी ढूंढती हूँ सात्विक आहार की। मैम ओज व्यापत का क्या लक्षण बोला था आपने? ओज व्यापत में ग्लानी, थकान ओज व्यापत में भी है, और दोष जिस दोष की व्याप्ति होती है ना उसके विचार से उसमें लक्षण हमें मिल जाते हैं। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। ओज व्यापद में ग्लानी है और ये भी है, भेद भी है देखिए इसमें, और गुरुता भी है, गुरुता सूजन वात दोष के कारण, वर्ण भेद अधिक नींद आती है मैम, मतलब रास धातु दुष्टि लक्षण जो दिखा है बोला है ना, मान वही ओज का भी होगा ना रस धातु। देखिए इसमें धातु क्षय के लक्षण मिलते ही है आपको, पूरे धातुओं के क्षय के लक्षण मिलेंगे आपको, कभी कुछ कभी कुछ जैसे। हाँ बोलिए सर। मैम ओजक्षय का हेतु क्या है? ओजक्षय के सर आहारज विहारज मानसिक हेतु, निकृष्ट आहार, धातु का पोषण ठीक से ना होना, आहार के नियमों का पालन ना करना, अधिक मांसाहार करना, इसके साथ अधिक मात्रा में अम्ल तिक्त कटु रस का सेवन करना, और अजीर्ण भोजन करना, विषमाशन करना, आहार सारे हेतु, विहार में भी रात्रि जागरण, श्रम, शोक, चिंता, और मानसिक में भी, मतलब रजतम वाली ओवरऑल उसकी जो ये होती है ना उसके कारण ओज का क्षय होता है। इसमें आप धातु का क्षय जनित भी सारे हेतु इसमें आ सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली रस धातु का क्षय करने वाले हेतु का सेवन करना, रसवस्त्रोत की दुष्टि ये भी इसका हेतु है, उसी के कारण ओज का क्षय होता है। जी मैम, और मैम और एक मेरा माइंड में आया, जो ओज धातु है तो वो मान लीजिए किसी आदमी का पूरा परिपुष्ट हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो उसका कोई तकलीफ होगा? ओज वृद्धि का? हाँ ओज वृद्धि सर, वैसे तो कुछ ओज वृद्धि का मतलब ये नहीं है, बहुत कम ऐसे होता है मेरे विचार से तो ओज वृद्धि, जनरली ऐसा मिलता ही नहीं है कि कभी ओज बहुत ज्यादा है, आज से ज्यादा कम ही रहता है। ओज मतलब वही प्रमाण का रहेगा बॉडी में अष्ट पर। मैम शुक्र धातु की वो लोग कंपेयर करते हैं, शुक्र धातु वृद्धि, शुक्र धातु की वृद्धि होती है ना, बट हाँ, वो अलग है कि मैम ओज की। देखिए मैम ये एकदम अच्छा सवाल है, अर्धांजलि रहेगा हमेशा, वही प्रमाण रहेगा ना शरीर का, उसमें क्या होगा ना ओज की अगर वृद्धि होती है तो यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, योर इम्यूनिटी विल बी गुड, एंड यूर लाइक आपका चेहरा तेजस्वी होगा, मतलब सभी भाव अच्छे होंगे अगर ओज की वृद्धि होगी। देखिए भले ही ओज का क्षय यानी शुक्र क्षय है, बट शुक्र की वृद्धि यानी ओज की वृद्धि नहीं होती मेरे विचार से, प्रैक्टिकली तो ये नहीं होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का कैसे चेहरा ओजो वाला ओजस्वी है, जैसे उनका देखते ही बोलते ना ये उसकी परिपूर्णता हो गई, शुक्र की वृद्धि यानी ओज की परिपूर्णता, ऑरा ही उनका अलग रहता है। यस, और इसीलिए मुझे लगता है ना ओज को हम लोग शुक्र ना माने, शुक्र धातु के सार रूप में या शुक्र का मल मानिए, शुक्र का उपधातु मानिए, तो वो ओज हम लोग कह सकते हैं। जी मैम, इट इज वाइटल फ्लूइड सर, एंड आई थिंक एज पर माई नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको भी बताया कि ओज ये शुक्र शोणित संयोग के साथ ही बनता है, जैसे प्रकृति बदलती नहीं है, हमारे दोषों का कंस्टिट्यूशन नहीं बदलता है, वैसे ही ओज भी गर्भावस्था में ही बनता है, बस हम लोग क्या करते हैं ना बाद में उस ओज का पोषण करते हैं, तो ओज का पोषण धातु से होता है, आहार रस से होता है। तो आप जो आहार रस, देखिए अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना बचपन से ही तेजस्वी ओजस्वी होते हैं, कुछ कितना भी खान पान खाए, कितना भी एक्सरसाइज करे, फिर भी उनमें वो बात नहीं आती है, हम बोलते कि नेचुरली है, नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल यानी क्या? शुक्र शोणित से जो आपने प्राप्त की है ना, तो इसका मतलब शुक्र शोणित के संयोग के समय ही शरीर में ओज बनता है।
और उसके गुणों के हिसाब से ही बनता है, पुरुषोनित के भी गुणों के हिसाब से। गुड इवनिंग मैम, मैं मुझे ये पूछना था, एक तो आपने बताया था कि नट्स में आलमंड काफी अच्छा माना जाता है ओज के लिए, मुझे थोड़ा सा कंपेयर करना था कि एक तो ओज के लिए और दूसरा ब्रेन के लिए आलमंड और अखरोट को, तो क्योंकि ये भी सुना कि अखरोट भी ब्रेन के लिए, जैसे मैं आपने बोला है ना, अच्छा है, हाँ, अच्छा तो अखरोट का डिफरेंशियल मुझे करना था आलमंड और अखरोट में। मैं अभी तो, मैं शेयर कर रही हूँ आपको, पीपीटी शेयर कर देती हूँ मैं इसका, मैं आपको बाद में ये भी भेजूंगी सर। अखरोट मेरे विचार से अखरोट से मतलब आलमंड से, आलमंड इज बेस्ट वन बिकॉज इसमें ओमेगा और एंटीऑक्सीडेंट भी कैपेसिटी होती है, तो मेरे विचार से तो ज्यादा यही रहेगा, आलमंड ही रहेगा। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा और मैं सात्विक आहार को आपको बताती हूँ। सात्विक इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश फूड, देखिए हाँ ये एक बात इंपॉर्टेंट है, फ्रेश ताजा बनाया हुआ खाना ये ओजवर्धक होगा। राइस, व्हीट, घी, मिल्क, फ्रेश बटर मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, मूंग दाल, फ्रेश फ्रूट्स लाइक एप्पल, पोमीग्रेनेट, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये तो है इतने। राजसिक में स्पाइसी ओनियन गार्लिक, तो देखो आपके ये हेतु आ गए सर, मुझे लगता है हर घर में ये रोज खाना बनता है माधुरी, है ना, गार्लिक विनेगर, सारे प्रिपरेशन में विनेगर होता है, पिकल्स में योगर्ट सारा। अभी यहाँ पर ये देखिए, अभी फ्रूट्स में मैंगो, पोमीग्रेनेट, कोकोनट, फिक्स डेट, पीचेस एंड पियर्स आर ओनली सात्विक वन। आपने नट्स की बात की थी ना, देखिए आ गए इसका आपका नट, आलमंड्स, व्हाइट सीसम सीड, फ्रेश कैश्यूज आर ओनली सात्विक। राजसिक में मोस्ट नट्स ब्राउन सीसम सीड्स, एंड तामसिक में पीनट्स, रैंसिड नट्स, ब्लैक सीसम सीड्स। तो ये आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि केवल आलमंड्स को ही ज्यादा उन्होंने सात्विक माना है। स्वीट्स में भी फ्रेश शुगर, मतलब सफेद तिल, सफेद तिल की बात हो रही है ना, सात्विक सफेद, व्हाइट से मैंने सफेद तिल, यस सफेद तिल, या मैम दूसरा एक चीज पूछनी थी, ज्योतिषमती ऑयल का नस और वचा ऑयल का नस, इनमें डिफरेंशियल करना था कि कौन सा किस चीज के लिए बेटर रहता है, कहाँ पे किसका बेटर रहता है वचा और ज्योतिषमती में। सर ज्योतिषमती भी बुद्धि का वर्धन करती है, वचा भी करती है, जब कफ होगा तो मुझे लगता है ना वचा ज्यादा अच्छा रहेगा, पावरफुल काम करता है कफ का छेदन भेदन कराने के लिए आई थिंक। ओके हाँ, और ज्योतिषमती मैम क्या कब ज्यादा रहता है, इसका क्या कैसा रहता है? सर ज्योतिषमती का जो ऑयल है ना, मुझे लगता है ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा वी कैन लाइक, ये वात में ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा मेरे विचार से, ये भी दोनों भी हील करते हैं, बट ज्योतिषमती कन्नस्य वात प्रकोप में अच्छा रहेगा। एंड आपने वचा का पूछा, तो ये वचा का मेरे विचार से कफ में अच्छा काम करेगा। ओके, पर हाँ, और दोनों का कॉमन यूज जो है वो बुद्धि के लिए दोनों अच्छे होते हैं। बुद्धि के लिए दोनों अच्छे होते हैं मैम, जैसे कुछ एक बार ये ऐसा होता है कि जैसे कई तो एक तो होता है कि साइकिल के थ्रू जाएं कि पहले रस बने, फिर रक्त, मांस, मेद और शुक्र, और फिर उसके बाद ओज बने, लेकिन ऐसा भी जैसे होता है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं डायरेक्टली वही धातु बना दें, जैसे कि तो वो ना वो क्या बोलते हैं ना उसका, उसके द्रव्य गुण के इसमें है ना वो, मतलब प्रभावजन्य कार्य करने वाले। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि हम बहुत ज्यादा दूध ले रहे हैं, तो दूध जो है वो शुक्र ज्यादा हमें बना सकता है डायरेक्ट, उतना नहीं कि बहुत हमेशा पूरा वैसे ही बनेगा, तो ऐसे जैसे वंग भस्म है तो वो सीधे सीधे शुक्र पे काम कर जाती है, तो ऐसे की कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्टली सीधे ओज पे ही काम करें डायरेक्ट। यस, पर यहाँ सद्य शुक्र का रहा, और सद्य मतलब धातु का या ओज का काम करने में फ्रूट्स में मेरे विचार से तो मैंगो है शुक्र का वर्धन करता है, तो थोड़ा सा ओज का भी करेगा, दूध करेगा, घृत करेगा डायरेक्टली ओज का वर्धन बिल्कुल करेंगे सर। चावल भी करते हैं सर, चावल का भी मेरे, चावल और खीर भी, गेहूं की खीर 394 किती लाए थे सर एम आर पी चावल पर, आणि हे पण खजूर भी करते हैं सर डायरेक्टली 314 खजूर भी। क्योंकि शुरुआत में आपने बोला था स्वर्ण कल्प आपने बोला था, तो कई बार ऐसे लोग वैद्य लोग बोलते हैं कि स्वर्ण कल्प डायरेक्टली यूज कर देते हैं ओज बढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा था कि स्वर्ण कल्प थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो
तो उसके अलावा भी और कोई कल्प रहते हैं जो डायरेक्ट उस पे काम करें? सर डायरेक्टली हम लोग ना सुवर्ण कल्प नहीं कर सकते, तो आप अवलेह कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि लाइक दारी मावलेह है, च्यवनप्राश है, अमृत प्राश है, फिर मैंने वो हमेशा बताती हूँ ना वो वाला क्या नरसिंह अवलेह है, अवलेह कल्पना का भी अच्छा रहता है। और इवन दो वी कैन गो विथ मुक्ता प्रवाह मौक्तिक भस्म, उसका भी अच्छा है धातु। अच्छा, मोती भी इसमें ओज डायरेक्टली बढ़ाते हैं? यस यस, बट फिर भी देखिए आप ओज बढ़ा रहे तो आपका अग्नि अच्छा होना है। वो तो अपने आप है, वो तो भाई कोई भी चीज दोष का प्रकोप भी कम करिएगा सर, जब तक दोष धातु नॉर्मल अवस्था में नहीं आएंगे तब तक ओज कैसे बढ़ेगा। नमस्ते नीलम जी, सपना जी, अलका, डॉक्टर रंजीत जी, चित्तरंजन जी, बोलिए मैम, इज देयर एनी डिस्कशन? नीलम जी। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। मैं आज तो कोई पेशेंट नहीं था आज, एक्चुअली हमारी रिपोर्टिंग डे होता है फर्स्ट को ना। अच्छा, हाँ जी, ओके। और किसी का? दिलकश रंजीत जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो। मैम बोल रही हूँ, पीसीओडी के केस में कई बार पेशेंट आते हैं, उनको 4-5 महीने से ब्लीड एमसी नहीं आता है, तो उस टाइम पे क्या देना चाहिए कि एमसी तुरंत मतलब आ जाए 2-4 दिन हफ्ते दिन में? तो देखिए इसमें ना मात्रा बस्ती काम करेगा। अच्छा, आप इसमें शतपुष्प ऑयल की मात्रा बस्ती दे दीजिएगा और पित्तवर्धक थोड़ा, पित्त का प्रकोप करवाइएगा, मतलब पित्त का वर्धन करवाइएगा आहार से, विहार से, और कुछ थोड़े उष्ण द्रव्यों का, तेल का और गुड़ का, फिर इसमें कुछ जो रज प्रवर्तिनी जैसे कुछ कल्प है उसका भी प्रयोग करवाया जा सकता है। मैं मोल देने के बाद तिल और गुड़ का तो काढ़ा मैंने दिया, रज प्रवर्तिनी और अशोका दिष्ट वगैरह भी दिया। मैम कई बार क्या होता है ना, एज के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार क्या है ना हम लोग कितने भी देते हैं बट तो वो एक टाइम पीरियड होता है ना, फिर वो टाइम पीरियड पे आता है। अगर वो थोड़ी 35 की एज के बाद वाली है तो नहीं मैम, 25-28 है अभी मेरे पास, ऐसे पेशेंट लगभग 10-12 होंगे। अच्छा। एक कन्या लोहादी वटी आती शायद महाराष्ट्र में ज्यादा यूज होता है उसका, कुंदनवा मंडूर कन्या लोहादी वटी भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। और ये भी दे सकते हैं हम लोग ना, कन्या लोहादी के साथ साथ आपको क्या है स्त्री आदि हरी रस भी दे सकते हैं। कौन सा मैम? मैम ना बट आप थोड़ा शोधन करवा लीजिए, शोधन, हल्का शोधन जरूरी है, और फिर मात्रा बस्ती। मैं मात्रा बस्ती करती, मात्रा बस्ती मैम इसमें नित्य विरेचन दे सकते हैं क्या? देते हैं, दे सकते हैं मैम मात्रा बस्ती। मेरे भी मैम, मेरे भी 2 पेशेंट है इरेगुलर मेंसेस वाले, 2 मंथ उनको रेगुलर 1 महीने में आ गया, तीसरे मंथ दोनों को ना, एक को तो 1 वीक लेट हुआ था और एक दूसरी पेशेंट थी उनको 1.5 महीना हो गया था मैम उस टाइम से। हाँ। तिल गुड़ का स्वाद तो मैंने बोला था और रज प्रवर्तनी और ये सब भी दिया, लेकिन 1 वीक के बाद ही आया शायद। अच्छा, क्या क्या दिया था? मुझे भी यही मैम कंप्लेंट थी कि पेशेंट था कि ऐसे पेशेंट में हम और क्या कर सकते हैं हम? सेकेंडरी मेनोरिया के जैसी मुझे लगता है ना, इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा कि कारण क्या हो सकता है। स्रोतस खोलने के लिए कोई दवाई ऐड कर सकते हैं आप उसमें? नहीं, इसमें ना मेन तो रूट कॉज के ऊपर ही काम करवाना पड़ेगा सर। हेतु देखिए, हेतु ही क्या हमें मिल जाते हैं ना वो देखना पड़ेगा, कई फाइब्रॉइड वगैरह है क्या क्या, मतलब कई बार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है ना ज्यादा, थायराइड का वगैरह है क्या, सोचना पड़ता है इसमें। मतलब पेशेंट वाइज उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, हम रज प्रवर्तिनी वट्टी जैसे भी कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं बट दो हम बस्ती जैसे चिकित्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ रसायन चिकित्सा भी, धातु का बल बढ़वाइएगा, आर्तोवस्त्रोतस की दृष्टि है थोड़ा सा धातु के ऊपर काम करवाइए। नष्टार्तो जैसे ही ये हो गया ना, इसको नस्य शतपुष्प ऑयल का नस्य, दशमूलारिष्ट, दशमूल की बस्ती काम करेगा, पित्त का वर्धन करो और कफ का और वात का शमन करो आहार विहार से और चिकित्सा से। जी मैम,
तो इसमें एज वाइज और पैटर्न वाइज थोड़ी ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है, बट ओवरऑल तो हमारा मोटो यही रहेगा कि हम लोग पित्तों को थोड़ा बढ़ा दे और कफवात का शमन करें। रस धातु का बल बढ़ाने के लिए फिर आप जैसे सर ने भी बताया धात्री वो लो धात्री लो है, धात्रा रिष्ट है, पुनर्नवा मंडूर है। बट मेरे विचार से ना देखिए स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ट्यूमर्स, एज ऑफ 35 to 40, ओवर रिएक्टिव ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये सभी कारणों के साथ अमेनोरिया इज कॉमन, मच मोर कॉमन। तो इन कारणों को आप कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर जाकर आप अदरक सरस है, बाकी सारा फेनोग्रुक है, वो सारे जो ऑप्शंस है वो सारे आपको वहां पे यूज करवाने पड़ेंगे। बट नस्य उत्तर बस्ती बेस्ट है अमेनोरिया के लिए। मैम नस्य किसका देंगे? सर नस्य आप शतपुष्पा का, शतपुष्पा तेल का नस्य, इसका मात्रा बस्ती भी और नस्य भी, हाँ दोनों भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैम डोज कितना होगा इसका? नस्य तो हम 6-6 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, मात्रा बस्ती तो आप 40 ml से स्टार्ट करिएगा जी मैम। आप शतपुष्पा चूर्ण खाने के लिए दे सकते हैं, शतपुष्पा का तेल यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा धातु बल बढ़ाने के लिए फिर पुष्यानुग, शतावरी, यष्टिमधु का यूज कर सकते हैं। और इसमें ज्योतिषमती, अभी सर ने बताया ना ज्योतिषमती भी वात का प्रकोप कम करती है, ज्योतिषमती और इसका भी आप पानी के साथ चूर्ण दे सकते हैं, स्वर्जी का क्षार एंड ज्योतिषमती का। मैम ज्योतिषमती का नश्य क्या पित्त को बढ़ाता है क्या? नहीं सर पित्त को नहीं बढ़ाता, बट वो रुक्षता को कम करवाता है। रुक्षता तो अच्छा अच्छा। जपा पुष्पा है, कई सारे है इसमें ऑप्शन से, बट देखिए मुझे लगता है ना जैसे कुछ कंट्रोलिंग पीस वगैरह वाला अगर ये होता है तो उसमें थोड़ा हो सकता है। आजकल अमेनोरिया के केसेस बढ़ गए हैं, एक स्ट्रेस फैक्टर होता है, थोड़ा शिरोधारा बस्ती शिरो पीछू वगैरह भी करवाते हैं तो अभी हो सकता है आगे। मैम पीसीओडी ज्यादा कभी कभी होता है, मुझे ऐसा लगता है जो भी अमेनोरिया की जो कंप्लेंट होती है उसमें अगर एक या दो या तीन महीने अगर उनको रेगुलर आता है तो फिर वो थोड़ा परहेज भी अवॉइड करती है, जो मेडिसिन और वो सब बताओ तो जो परहेज हम बोलते हैं वो भी थोड़ा अवॉइड करती है, और जो रूटीन में कुछ कुछ खाने लगती है मैम। यस हो सकता है बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन है मुझे, मैम शिलाजीत के डायरेक्टली ओज बढ़ाता है क्या? सर एज अ रसायन वो काम करेगा डायरेक्ट, देखिए डायरेक्टली ऐसा नहीं है, इसमें तो बाकी धातु भी बढ़वाएगा, वो धातु का भी बल बढ़वा देगा, मतलब बाकी धातु बढ़ाएगा फिर वो पाचक पचेंगी और उसके बाद ये होगा। यस डायरेक्टली तो ओज और घृत ही है। ठीक है मैम। और दिलकर जी आप स्पेसिफिक काम करिएगा, हर एक केस अलग होती है मुझे लगता है, तो उसमें नस्य, मात्रा बस्ती, शिरो पीछू, जहां जहां जो एज के हिसाब से भी विचार करवाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेशेंट से हेतु निकालो, आप ऐसे ब्लाइंडली मत दीजिएगा। और छोटे ज्यादा पेशेंट वही है पीसीओडी वाले ही है और तो ठीक है, बट हेतु क्या मिले मैम? हेतु में ज्यादा स्ट्रेस वगैरह पेशेंट का, क्योंकि यहाँ पे फास्ट फूड या खान पान ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन ज्यादा है, बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे हेतु खान पान मिलता है जो। ठीक है मैम, आपसे जुड़ने के बाद हेतु ढूंढने लगे हैं। हाँ क्या हुआ? आपसे जुड़ने के बाद पता चला हेतु कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पूरे बैक हिस्ट्री में लेती हूँ अब रजतम बढ़ जाएगी, सत्व कम हो जाएगा तो धातु का बल कम होगा, रस धातु का बल कम होगा, रस की विकृति यानी आर्थोस्तोतस की विकृति। तो अभी ये सारा कनेक्शन है तो इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ओके, चलिए फिर कल मिले। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलो ओज का ठीक रहा विकास जी? यस सर।
मैम आगे कभी लेक्चर एक शिलाजीत पे ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है, श्योरली, ओके, चलिए फिर मिलते हैं, चलो नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू।